हेलो स्टूडेंट। तो आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से टॉपिक डिस्कस करते हैं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दैट इज किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल हर साल बोर्ड्स में एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है? और वो आराम से 2 से 3 मार्क्स का पेपर में रहता ही रहता है, ठीक है? तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आप सब स्टूडेंट्स इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे। हम आज इसके ऊपर न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे और उसका वर्किंग मेथड समझेंगे, क्योंकि अलग अलग बुक्स में क्या है, अलग अलग मेथड दे रखा होता है और बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि हमें क्लॉकवाइज लेना है, एंटी क्लॉकवाइज लेना है, प्लस लेना है, माइनस लेना है। तो यहाँ पे काफ़ी ईजी मैथड में आपको समझा रहा हूँ, ठीक है? तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक से। किरचॉफ्स लॉ, तो किरचॉफ ने क्या करा था, दो लॉ दिए थे, ठीक है? एक होता है किरचॉफ फर्स्ट लॉ, जिसको हम जंक्शन लॉ भी कहते हैं, ठीक है? तो इन्होंने क्या कहा, जंक्शन लॉ में सिंपली ये कहा गया कि अगर हमारे पास कोई भी एक जंक्शन है, एट एनी जंक्शन, किसी भी जंक्शन पे जो एल्जेब्रिक सम होता है टोटल करंट का, वो हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। एट एनी जंक्शन द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट इज जीरो, ठीक है? जंक्शन क्या होता है, जहां पे तीन या तीन से ज्यादा वायर आके इंटरसेक्ट करती है या मीट करती है, उस पॉइंट को हम जंक्शन बोलते हैं। जैसे यहां पर ये जंक्शन है, यहां पे 3 वायर्स है या 3 से ज्यादा वायर्स। हमने यहाँ I1 करंट मान लिया, यहाँ I2 करंट मान लिया, ये I3 करंट मान लिया, ये I4 और ये I5, ठीक है? अब आप देखिए इस जंक्शन के पास, देखिए यहाँ पर I1, I2, I4 ये इनकमिंग करंट है, और जो I3 है और जो I5 है वो क्या है, आउटगोइंग करंट है। तो आप आउटगोइंग करंट को पॉजिटिव लेते हैं और इनकमिंग करंट को नेगेटिव लेते हैं। आप आउटगोइंग को नेगेटिव ले सकते हैं, इनकमिंग को पॉजिटिव ले लें, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि हमेशा हम इनकमिंग को ही नेगेटिव लेंगे, ठीक है? बस होता यह है कि अगर आप इनकमिंग नेगेटिव मान रहे हैं तो आउटगोइंग हमें पॉजिटिव मानना पड़ेगा। तो आउटगोइंग वाले कौन कौन से हैं हमारे पास, I3 प्लस I5, और इनकमिंग वाले कौन से हैं, I1 I2 I4। तो इन सम करंट का अगर हम टोटल सम करेंगे, एल्जेब्रिक सम करेंगे, तो उसका आंसर जो आएगा वो जीरो आएगा, ठीक है? या हम ये भी कह सकते हैं कि टोटल आउटगोइंग करंट इज इक्वल्स टू टोटल इनकमिंग करंट। जितना किसी भी जंक्शन पे आने वाला करंट होता है, उतना ही उस जंक्शन से जाने वाले करंट के इक्वल होता है। तो ये फर्स्ट लॉ है, जिसे हम बोलते हैं क्या, जंक्शन लॉ, ठीक है? अब हम इसके आगे नेक्स्ट जो किरचॉफ सेकेंड लॉ है वो देखते हैं। किरचॉफ सेकेंड लॉ, किरचॉफ सेकेंड लॉ को हम लूप लॉ भी कहते हैं या मैश लॉ भी कहते हैं, ठीक है? तो लूप या मैश हम कह सकते हैं कोई भी एक क्लोज्ड पाथ, उस क्लोज्ड पाथ को हम मैश बोलते हैं। तो क्या कहा गया किरचॉफ सेकेंड लॉ में, किरचॉफ सेकेंड लॉ में कहा गया कि अगर हमारे पास कोई भी लूप है या कोई भी मैश है, ठीक है, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट लगे हुए हैं, एलिमेंट मींस रेजिस्टेंस लगे हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है, इंडक्टर लगा हुआ है, तो वो जितनी भी वोल्टेज कंज्यूम कर रहे हैं, वो सारे एलिमेंट जितनी भी वोल्टेज कंज्यूम कर रहे हैं, उन सारी वोल्टेज का जो सम होता है, सारी वोल्टेज का, चाहे वो बैटरी हो, चाहे हमारे पास वो रेजिस्टर हो, या फिर हमारे पास इंडक्टर हो, या हमारे पास कैपेसिटर हो, उन सारी वोल्टेज का जो एल्जेब्रिक सम होता है वो जीरो होता है। द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेज कंज्यूम बाय ऑल द एलिमेंट्स इन अ मैश इन अ लूप इज ऑलवेज जीरो, और ये वर्क करता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, ठीक है?
बल्कि जो हमारे पास किरचॉफ फर्स्ट लॉ था, ठीक है, वो वर्क कर रहा था बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। तो यहां कहा गया कि समीशन वी इज ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो। अब वी निकालने के लिए आप आईआर भी यूज कर सकते हैं, वी निकालने के लिए आप क्यू बाय सी भी यूज कर सकते हैं, वी निकालने के लिए आप ईएमएफ भी लेंगे इस तरीके से, ठीक है। अब हम इसके बाद इन दोनों लॉ की हेल्प से एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे ये पूछा गया है, जैसे ये हमने यहाँ पे नेमिंग दी है ए बी सी डी ई एफ। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि वी हैव टू डिटरमाइन द करंट थ्रू एवरी पार्ट ऑफ द सर्किट। हर वायर के अंदर कितना करंट जा रहा होगा हमें ये डिटरमाइन करना है, और दूसरा हमें ये डिटरमाइन करना है कि कितना वोल्टेज कंज्यूम हो रहा होगा, वोल्टेज अक्रॉस ई एफ, ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस ई एफ कितना होगा। तो यहां पर देखिए, अब यहां पे दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, या तो वो करंट मार्क करके देता है या फिर वो करंट मार्क करके नहीं देता है। अब यहां पे करंट मार्क नहीं कर रखा है, तो हम खुद अपने अकॉर्डिंग करंट मार्क करेंगे। तो करंट मार्क करने के लिए सबसे पहले क्या होता है, हम सबसे ज्यादा बड़ी वोल्टेज के पास जाते हैं। तो यहां पे हम 5 वोल्ट के पास जाएंगे, यहां से करंट मार्क करेंगे I1, पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर की तरफ करंट I1 ही मार्क करते रहेंगे जब तक जंक्शन नहीं आता। अब जितना करंट पॉजिटिव से बाहर जाता है उतना ही करंट नेगेटिव में अंदर आता है, ये भी करंट I1 होगा, और ये इतना ही करंट मार्क होगा जब तक कि जंक्शन नहीं आता है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इसके बाद इससे नीचे वाली वोल्टेज वाले सेल के पास जाएंगे, दैट इज 3 वोल्ट। यहां से हम करंट मार्क करेंगे I2, और जितना प्लस में आएगा उतना ही नेगेटिव में एंटर करेगा, ये I2, ठीक है। अब कोशिश ये करते हैं कि दो वेरिएबल में ही क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्योंकि ज्यादा अगर वेरिएबल्स लेंगे तो इक्वेशन ज्यादा बनेगी, और ज्यादा इक्वेशन बनेगी तो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट होगा। तो यहां पर हमने दो वेरिएबल मान लिया I1 एंड I2। अब हम यहां पर जो तीसरा वाला आर्म है इसके अंदर करंट इधर की तरफ मार्क करेंगे, ठीक है, और इस करंट का वैल्यू फाइंड आउट करें कितनी होगी। अब यहां पे अगर आप देखें इस जंक्शन पे, जो ये डी जंक्शन है, इसके ऊपर इनकमिंग करंट I2 है और इनकमिंग करंट क्या I1 है। तो हमें पता है जितना टोटल इनकमिंग करंट होता है उतना ही टोटल आउटगोइंग करंट होता है। इनकमिंग करंट I1 है I2 है, तो आउटगोइंग करंट जो होगा वो इन दोनों का सम होगा, दैट इज I1 प्लस I2, ठीक है। इन केस आपको ये लग रहा है कि सर हमने पॉजिटिव के अंदर करंट के भेज दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर हमने गलत करा होगा तो हमारा आंसर नेगेटिव में आ जाएगा। अगर हमने कोई सी भी डायरेक्शन गलत मार्क करी होगी तो वो नेगेटिव में आ जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से हमने करंट मार्क कर दिया। इन केस अगर क्वेश्चन में करंट पहले से ही मार्क होता है तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही करंट को हम लेके चलते हैं, ठीक है। अब हम इसमें लूप एज्यूम करते हैं। सपोज हमने लूप एज्यूम करा, लूप ए डी सी बी ए, ठीक है। अब लूप के बारे में समझेंगे, देखिए जब हमें लूप को कवर करना होता है तो बहुत ध्यान समझेंगे, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे अगर आप प्रदीप पढ़ रहे हैं या एसएल पढ़ रहे हैं, उसके अंदर काफी कुछ दे रखा होता है कि एंटी क्लॉकवाइज देना है या क्लॉकवाइज देना है, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल आप क्या कर सकते हैं, किसी भी कोने से, लूप के किसी भी कोने से स्टार्ट कर सकते हैं मूव करना, चलना, कोशिश करेंगे कि करंट के साथ साथ चले, ठीक है। अब जब आप सेल के पास जाएंगे, तो अगर आप सेल के पहले पॉजिटिव टर्मिनल के पास जा रहे हैं तो वहां पे आप पॉजिटिव लगा देंगे, और अगर सेल के नेगेटिव टर्मिनल के पास जा रहे हैं तो नेगेटिव लगा देंगे। फिर जब आप रेजिस्टेंस के पास पहुंचेंगे, तो रेजिस्टेंस के पास जब आप पहुंचेंगे तो उसके थ्रू जो करंट जा रहा है उसको उसके रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे I इंटू आर,
क्योंकि तभी वोल्टेज आएगा वी इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। और एक बात और याद रखनी है कि जब आप रेजिस्टेंस के पास जाएंगे तो अगर आप करंट के अपोजिट जा रहे हैं तो माइनस साइन लगा देंगे, और अगर करंट के साथ जा रहे हैं तो प्लस, ठीक है। देखिए कैसे हमने यहाँ से ए से चलना स्टार्ट करा, इधर गए इधर गए इधर गए इधर गए, यहाँ पे हम सेल के पास पहुंचे, ठीक है, करंट से मतलब नहीं है, सेल के पास पहुंचे, पहले सेल के पॉजिटिव के पास पहुंचे तो प्लस आ जाएगा, सेल का वोल्टेज कितना है टू, तो यहाँ टू लिख दिया प्लस का, करंट से मतलब नहीं, आई वन आई टू कुछ मतलब नहीं है। फिर हम आगे गए, इधर आ गए, हम करंट के साथ साथ आ रहे हैं, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, करंट के साथ साथ आ रहे हैं, रेजिस्टेंस के पास आए तो जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है उसको करंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब थ्री आई वन प्लस आई टू, ठीक है। फिर हम इसके बाद इधर जाएंगे ऊपर, फिर दोबारा हम रेजिस्टेंस के पास आए, रेजिस्टेंस के करंट को उसके रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज टू आई टू। फिर हम सेल के पास पहुंचे, सेल का पहले क्या आया, नेगेटिव आया, तो यहां पे लगा देंगे हम नेगेटिव थ्री इज इक्वल टू जीरो, लास्ट में जीरो रख देना है जब आप पूरे इसके पास पहुंच जाओ अपने स्टार्टिंग वाले पॉइंट के पास, ठीक है। सेल के पास जाना है तो जिस टर्मिनल के पास आप पहले पहुंच रहे हैं उसकी वैल्यू लिख देते हैं, पॉजिटिव के पास पहुंच रहे हैं पॉजिटिव लिख देंगे, नेगेटिव के पास पहुंच रहे हैं नेगेटिव लिख देंगे, सिर्फ वैल्यू लिखनी है वोल्टेज। रेजिस्टेंस के पास जब पहुंचेंगे, अगर करंट के साथ साथ पहुंच रहे हैं, करंट की डायरेक्शन में पहुंच रहे हैं, तो रेजिस्टेंस को करंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इन केस अगर करंट के अपोजिट आ रहे हैं तो रेजिस्टेंस को करंट से मल्टीप्लाई तो करेंगे लेकिन नेगेटिव साइन लगा देंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे, थ्री आई वन प्लस फाइव आई टू इज इक्वल्स टू वन, ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई। फिर हम इसके दूसरे लूप के पास आते हैं, लूप, क्योंकि हमने दो वेरिएबल मान रखे थे तो दो ही लूप एज्यूम करने, अगर इनकेस तीन वेरिएबल मानते तो तीन लूप एज्यूम करते। लूप दूसरा ले सकते हैं हम, कौन सा लेंगे लूप, ये लेते हैं ई डी सी एफ ई, इनिशियल लूप ले लिया, यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से आगे चलेंगे, इधर जाएंगे इधर जाएंगे, पहले सेल के पॉजिटिव के पास पहुंचे तो दोबारा यहाँ क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। फिर हम इधर आए, रेजिस्टेंस के पास आए, तो रेजिस्टेंस को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके करंट से, प्लस थ्री आई वन प्लस आई टू, करंट को रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि वोल्टेज का फॉर्मूला क्या, आई आर, और यहाँ प्लस क्यों आया, क्योंकि हम करंट के साथ मूव कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इधर आएंगे, यहाँ नीचे आएंगे, इधर आएंगे इधर आएंगे, फिर रेजिस्टेंस आया तो रेजिस्टेंस को करंट से मल्टीप्लाई कर देंगे आई वन, फिर इधर आएंगे, यहां सेल के पास पहुंचेंगे तो माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, इतना क्लियर हो गया सबको। तो फोर आई वन प्लस थ्री आई टू इज इक्वल टू थ्री, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन होगी। अब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके बाय एलिमिनेशन मेथड और बाय सब्सटीट्यूशन मेथड हम क्या कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे हमने इसको क्या करा, इसको हमने फोर से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको हमने थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर वाले को अगर हमने फोर से मल्टीप्लाई करा, थ्री फोर जर ट्वेल्व आई वन, फाइव फोर जर ट्वेंटी आई टू इज इक्वल टू फोर, ट्वेल्व आई वन, नाइन आई टू, थ्री थ्री जर नाइन, साइन चेंज कर देंगे, माइनस माइनस माइनस, इलेवन आई टू माइनस फाइव, ठीक है, यहाँ माइनस फाइव आएगा, थ्री थ्री जन नाइन माइनस फाइव आएगा, यहाँ पे फोर माइनस नाइन माइनस फाइव आएगा, और यहाँ फोर वन जो फोर तो फोर आ जाएगा। अब इसके बाद आई टू की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आई टू आएगा हमारे पास माइनस फाइव बाय इलेवन, इधर राइट में लिख देते हैं, आई टू की वैल्यू आ जाएगी माइनस फाइव बाय इलेवन, नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि जो आई टू हमने बाहर की तरफ एज्यूम करा था बेसिकली ये इनवर्ट जा रहा होगा, यानी कि ये थ्री वोल्ट का सेल जो है चार्ज हो रहा होगा। फिर हम आई टू की वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो फोर आई वन माइनस फिफ्टीन अपॉन इलेवन इज इक्वल टू थ्री, हमने इस इक्वेशन में ये वैल्यू क्या करिए सब्सटीट्यूट कर दिए, इसको इधर ले जाएंगे राइट साइड में, फोर आई वन थ्री प्लस फिफ्टीन बाय इलेवन
4i1 33 प्लस 15 48 बाय 11, यहां से i1 आ जाएगा 12 बाय 11 एम्पीयर। इस तरह से हमने क्या करा, i1 फाइंड आउट कर लिया, इधर की तरफ i1 फाइंड आउट कर लिया, i2 फाइंड आउट कर लिया हमने, इस वाली आर्म में भी करंट आ गया, इस वाली आर्म में भी करंट आ गया हमारे पास, और ये जो i1 प्लस i2 करंट है हम इस वाली आर्म में भी निकाल सकते हैं। करंट थ्रू डीसी कैसे निकलेगा, i1 प्लस i2, i1 की वैल्यू हमारे पास 12/11 है, इसकी वैल्यू 5/11 है, तो यह आ जाएगा 7/11 एम्पीयर। ठीक है, फिर हमें वोल्टेज निकालना है, वोल्टेज अक्रॉस ईएफ। तो वोल्टेज अक्रॉस ईएफ निकालने के लिए हम सिंपली इसके साथ साथ चलेंगे, करंट के साथ साथ चलेंगे, एफ टू ई जाएंगे, तो यहां पर रेजिस्टेंस आया, रेजिस्टेंस को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, करंट से, तो 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे i1 से, फिर हम सेल के पास हो जाए तो सेल की वैल्यू -5। ठीक है, जैसे हम किरचॉफ में करते हैं बिल्कुल वैसे ही करना है, बट जीरो नहीं रखा जाएगा, ये वैल्यू आएगी जो भी आएगी इसके अंदर। ठीक है, i1 की वैल्यू यहां से पुट कर देंगे, i1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 12/11 -5, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 12 -55/11, तो ef की वोल्टेज आ जाएगी यहां पर 43/11। ठीक है, इस तरह से हमने क्या करा, वोल्टेज निकाल लिया ef। ऐसे अगर वो कोई और सा वोल्टेज पूछेगा तो सिंपली हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव करना है और वो फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये किरचॉफ लॉ का टॉपिक था, इसको आप बिल्कुल ध्यान समझेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए। ठीक है, बाकी अगर आपको कोई भी कॉम्पिटिशन की वीडियोज अगर सर्च करनी है तो इसके लास्ट में लिंक आएगा, उससे आप जा सकते हैं। थैंक यू।